आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति तथा भाषा अकादमी द्वारा आयोजित शिखर सम्मान, कला सम्मान, साहित्य पुरस्कार, स्वैच्छिक संस्था सम्मान, चंबा रुमाल पहाड़ी चित्रकला सम्मान पुरस्कार वितरण समारोह 2022 की अध्यक्षता करते हुए कहा कि साहित्य महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पाठक की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है तथा समाज को इस दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की समृद्ध संस्कृति, धरोहर तथा साहित्य के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा लेखकों, कलाकारों, कारीगरों तथा शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019, 2020 तथा 2021 के लिए साहित्य पुरस्कार सभी विजेताओं को समय पर दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कलाकार राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक संग्रह के संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, आज की इस परिस्थिति में भी बहुत बड़ा योगदान समाज में दे रहे हैं ताकि हमारी संस्कृति भी जीवित रहे और संस्कृति जीवित रहने के साथ साथ में हमारे अपनी कला, अपनी संस्कृति को देश और दुनिया के सामने बेहतर ढंग से हम उसका प्रस्तुतिकरण कर सकें। दुनिया भी जाने, देश भी जाने और उसके साथ साथ में हमारी जो जनरेशन है, हमारी पीढ़ी है, वो भी इस संस्कृति के साथ जुड़ी रहे और संस्कृति के साथ साथ में जो हमारे बहुत सारे ऐसे कलाकार जो कलाकृतियों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को अलग पहचान देने में अपना योगदान दे रहे हैं उनको भी आज के इस युग में, हालात में उनको भी सम्मान दे सके। उस दृष्टि से मैं सभी को, आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ जो महत्वपूर्ण कार्य आप लोग कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी अभी हाल ही में जब पूरे देश भर में पद्मश्री देने की अगर बात आई तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी को जो हमारे दो ऐसे महानुभाव हमारे प्रदेश से जो ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं, उनको सम्मानित करने की दिशा में हिमाचल को ये सम्मान हासिल हुआ है, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार हूँ। श्रीमती ललिता वकील जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। जिनने चंबा रुमाल को राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाने में अपने योगदान दिया। और उसी तरह से मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पद्मश्री अवार्ड के साथ जो है विद्यानंद सराय को हमारे सिरमौर जिला के जो एक अच्छे लेखक हैं, कवि हैं और कलाकार भी हैं, उनको भी सम्मानित किया। और हिमाचल जैसे छोटे प्रांत के लिए दो सम्मान एक साथ मिलना, एक वक्त मिलना, ये हमारे लिए सचमुच में बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। आप लोग बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और इस कार्य को और आगे बढ़ाइए आप सब लोग, और ये स्वाभाविक रूप से आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सदैव रहेगा। आदमी कब तक रहेगा ये आदमी के हाथ में नहीं है, लेकिन आदमी क्या करके गया है वो सदैव जो है वो इतिहास का हिस्सा बन करके रहे, तो मैं समझता हूँ वो बात जो है वो ज़्यादा महत्व। मुख्यमंत्री ने साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए आचार्य केशव शर्मा को वर्ष 2017 तथा डॉक्टर ओसी हांडा को वर्ष 2018 के लिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी शिखर साहित्य सम्मान से सम्मानित किया। इसी प्रकार श्री मोहन राठौर को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2017 तथा चंबा रुमाल को बढ़ावा देने के लिए श्रीमती दिनेश कुमारी को वर्ष 2018 के लिए महाराजा संसार चंद शिखर कला सम्मान प्रदान किया गया।
प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर हिम चटर्जी को सरदार शोभा सिंह ललित कला पुरस्कार 2016 प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देने और युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करने के लिए आरंभ की गई मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना प्रदेश में बहुत लोकप्रिय हुई है। इस योजना के तहत उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। इस संकट को दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बड़ी कारगर साबित हो रही है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देना और युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना है, ताकि वो नौकरी मांगने के बजाय देने वाले बने। अपना उद्यम शुरू करने की राह में पूंजी सबसे बड़ी बाधा होती है। इसकी व्यवस्था कहां से की जाए, यह बड़ी चुनौती होती है। स्वावलंबन योजना के जरिए सरकार ने युवाओं की यह चिंता दूर कर दी है। राज्य के 18 से 45 वर्ष के ऐसे युवा जो बेरोजगार हैं, वह 1,00,000 रुपए तक का प्रोजेक्ट लगाकर स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। उद्यम लगाने के लिए सरकार 60,00,000 रुपए तक के प्लांट और मशीनरी के निवेश पर 25% अनुदान दे रही है। मैंने यहाँ पंताघाटी शिमला में हिमाचल की पहली प्राइवेट क्रिकेट एकेडमी ओपन की है। ये क्रिकेट एकेडमी ओपन करने के पीछे सबसे बड़ा जो योगदान रहा है, वो जो हमारा स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का रहा है। हमको इस लोन मिलने के अनुसार हमने ये अकेडमी ओपन की है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत मैंने ये लोन लिया था, जिसके थ्रू ये एक छोटी सी बेकरी खोली है छोटा शिमला में ही। और ये एक अच्छी योजना है, जिससे सरकार यंगस्टर्स को मोटिवेट कर रही है कुछ अपना करने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए। हिमाचल की ज्यादा से ज्यादा बेटियां अपना उद्यम खड़ा करके आत्मनिर्भर बन सकें, इसके लिए स्वावलंबन योजना में महिलाओं के लिए अनुदान की राशि 30% देने का प्रावधान किया गया है। विधवाओं के लिए यह अनुदान 35% है। योजना के तहत 60,00,000 रुपए तक के ऋण पर सरकार 3 साल के लिए 5% की ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी। साथ ही उद्यम लगाने के लिए सस्ती दरों पर जमीन दिलाने में भी मदद की जा रही है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो मुझे श्री जयराम ठाकुर जी की बनाई हुई योजना से जो मदद मिली है, उसकी मैं बहुत शुक्रमंद हूँ। इस योजना के तहत मुझे अपना ये क्लिनिक सेटअप करने का जो मेरा एक वर्षों से सपना था, उसमें बहुत हेल्प मिली है। रोजगार सृजन से जुड़ी इस योजना के तहत बैंकों की ओर से 4,000 से अधिक इकाइयां स्वीकृत की गई हैं। इनमें 651 करोड़ रुपए का निवेश होगा और करीब 11,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अपने वादे के मुताबिक सरकार अब तक स्थापित 2,057 उद्यमों को 121.70 करोड़ रुपए का अनुदान दे चुकी है। वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार ने इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। इसके जरिए 2000 नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिनमें 5000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना कितनी आकर्षक है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं कह चुके हैं कि यदि इस तरह की योजना उनके युवा काल में होती तो वह राजनीति में न आकर स्वरोजगार शुरू करते। यदि आप बेरोजगार हैं और कुछ करने का जज्बा है, तो स्वावलंबन योजना के जरिए अपना स्टार्टअप खड़ा करके बड़े उद्यमी बन सकते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे इस योजना का पूरा लाभ उठाया और प्रदेश सरकार ने पूरा सहयोग दिया, और जो उद्योग विभाग है पूरा सहयोग दिया उन सभी अधिकारियों का। वही था, सो आई थिंक गवर्नमेंट का जो ये इनिशिएटिव है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आई एम सेटिस्फाइड विद इट। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स इट और अच्छा काम कर रहे हैं। ये संवेदनशील सरकार
बढ़ रहे रोजगार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1,812 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 246 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1,494 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 42,88,531 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 40,19,215 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,67,811 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,55,593 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 8,233 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन